स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिसइंफेक्शन स्टार्ट किया था और उससे पहले हमने फिजिकल मेथड्स स्टडी किए थे और फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन में कुछ टर्म्स डिस्कस की थी और फिर आज जो है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिनकी एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है या एंटीमाइक्रोबियल एक्शन होता है। द पोटेंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ अ केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट इज अफेक्टेड बाय टाइम, टेम्परेचर, पीएच एंड कंसेंट्रेशन। अगर हम बात करें केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है उस केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की, उनका जो एक्शन आएगा वो डिपेंड करेगा टाइम पे, टेम्परेचर पे, पीएच पे और कंसेंट्रेशन। ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था ये पॉइंट कि आपको जो भी आप केमिकल एजेंट यूज कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें टाइम की भी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है कि आप जो है उसको कितने टाइम के लिए रख रहे हैं या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है टाइम की। उसके अलावा है टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना है, और उसके अलावा पीएच, क्योंकि पीएच जो एक्शन है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट का वो पीएच के अकॉर्डिंग भी होता है कि पीएच जो है वो हाई कंसेंट्रेशन रखनी है, हाई पीएच रखनी है, लोअर है, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एक्शन। और उसके अलावा कंसेंट्रेशन, किस कंसेंट्रेशन से जो है वो केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज हो रहे हैं। तो वन बाय वन करके हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। द डेथ रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय द लेंथ ऑफ टाइम द ऑर्गेनिजम्स आर एक्सपोज्ड टू द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एज वाज एक्सप्लेन्ड अर्लियर फॉर हीट। जब हमने हीट का मेथड पढ़ा था, जब हम फिजिकल मेथड्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि आप जो मटेरियल जो एक्सपोज कर रहे हो उस एजेंट से, या स्टरिलाइजेशन करवाना है या डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होना है तो उसका भी एक टाइम होगा कि आपने कितने टाइम तक उसको रखना है या कौन सा टाइम पीरियड आपने देना है। So, the death rate of organism is affected by the length of time the organisms are exposed. जो एजेंट यूज हो रहे हैं कितने टाइम के लिए जो है वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो उससे एक्सपोज हो रहा है तो वो भी डिपेंड करता है उस एजेंट के, उस एजेंट की प्रॉपर्टी पे, या जो एजेंट यूज हो रहे हैं केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं तो एक टाइम जो लेंथ ऑफ टाइम है उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है कि कितना टाइम जो है वो उसको दिया जा रहा है। और जितना टाइम प्रोवाइड करेंगे तो डेथ रेट जो ऑर्गेनिज्म का होगा वो भी अफेक्टेड होगा उस टाइम से। Thus, adequate time should always be allowed for an agent to kill the maximum number of organisms. मतलब जो time provide करना है, adequate time इतना होना चाहिए, इतना time देना चाहिए कि maximum number of organisms जो है वो kill हो सके। अब बात करते हैं pH की। Acidic or alkaline pH can increase or decrease the agent's potency. pH का जो factor है वो भी important होता है क्योंकि इससे जो chemical antimicrobial agent है उसकी potency जो है वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है।
A pH that increases the degree of ionization of a chemical agent often increases its ability to penetrate a cell. अब वो pH अगर हम यूज करते हैं जो इंक्रीज करे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उस केमिकल एजेंट की, तो इससे ये होगा कि जो केमिकल एजेंट यूज हो रहा है वो ज्यादा पेनिट्रेट होगा सेल में. एंड सच अ pH कैन आल्सो ऑल्टर द कंटेंट ऑफ द सेल इटसेल्फ. जाहिर है पेनिट्रेट होने के लिए भी एक डिग्री ऑफ आयनाइजेशन रिक्वायर होगा, उसके लिए भी pH रिक्वायर होगी. और उससे जो है उस और जो pH है उसको भी ऑल्टर कर सकता है कंटेंट ऑफ सेल. जो कंटेंट प्रेजेंट है सेल में तो वो भी ऑल्टर हो सकते हैं उस pH. हाई कंसेंट्रेशंस में बी बैक्टेरिसाइडल, वेयर एज लोअर कंसेंट्रेशन में बी बैक्टीरियोस्टेटिक. यहाँ जो है वो कंसेंट्रेशन के हवाले से बात हो रही है कि अगर जो है वो हायर कंसेंट्रेशन हो रही है तो उसका बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट आता है. बैक्टेरिसाइडल इफेक्ट मींस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल होंगे. अगर हम लोअर कंसेंट्रेशन की बात करें तो उसका बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट आता है, मींस के उसकी ग्रोथ जो है ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो इनहिबिट होगी. लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि जितने भी एजेंट्स यूज हो रहे हैं सबके लिए जो है वो ये रूल फॉलो हो. कुछ एजेंट ऐसे भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते. जो बात हो रही है कि अगर हाई कंसेंट्रेशन में यूज हो रहा है तो उसका बैक्टीरियल इफेक्ट ही आएगा. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि इथाइल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर एक्सेप्शंस टू द रूल अबाउट इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन. They have long been believed to be more potent at 70% than at higher concentration. यहाँ पे इथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात हो रही है कि इनकी इनका जो एक्शन आएगा या वो पोटेंट तब होंगे जब वो 70% इनकी कंसेंट्रेशन यूज होगी. लेकिन ज्यादा कंसेंट्रेशन अगर यूज होगी तो वो उतने पोटेंट नहीं रहेंगे जितने के वो 70% पे. Although they are also effective at up to 99% concentration. Effective तो खैर वो रहेगी वो जो agent है या जो use हो रहे हैं agent या इथाइल और आइसोप्रोपाइल की बात हो रही है यहाँ पे. तो उसमें ये है कि एक concentration अगर हम बढ़ा रहे हैं तो effective तो तब भी है, लेकिन जो examples हैं उनकी potency की बात हो रही है कि वो 70% के concentration use हो रही है तो वो ज़्यादा important है. तो इस तरह वेरी करता है कि एजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं. अब ये कुछ स्पेसिफिक केमिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो केमिकल्स यूज होते हैं या जो कंपाउंड यूज किए जाते हैं एजेंट्स में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं जो अपना एंटी माइक्रोबियल एजेंट देते हैं. सबसे पहले है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. ये डेली लाइफ में डेली रूटीन में बहुत इसका यूजेज है, चाहे सोप्स हों या डिटर्जेंट्स हैं, इनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स रिमूव माइक्रोब्स, ऑयली सब्सटेंसेस एंड डर्ट. सोप्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं. और ऑयली सब्सटेंस है उसको भी जो है वो क्लियर करते हैं, या कोई डर्ट है उसको भी रिमूव करते हैं. और स्क्रबिंग का मेथड होता है क्योंकि स्क्रबिंग ग्रेटली इन्हांसेस देयर एक्शन. स्क्रबिंग की जाती है ताकि जो है उसका उसी से ही जो है उसका एक्शन आएगा. इनफैक्ट विग्रस हैंड वॉशिंग इज वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ preventing the spread of disease among patients in hospitals, in medical and dental offices, among employees and patrons in food establishments, and among family members.
सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, और यहाँ पे अब एग्जांपल है हैंड वॉशिंग की, कि अगर प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो है हमारी मेरी रूटीन में इसका फंक्शन है, प्रॉपर है बल्कि, तो इससे जो है प्रिवेंट किया जा सकता है स्प्रेड ऑफ डिजीज. जाहिर है अगर पहले से ही हैंड वॉशिंग अगर बहुत कॉमनली ये प्रैक्टिस जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है हर जगह पे, तो इससे ऑर्गेनिज्म जो है वो जाहिर रिमूव हो जाते हैं. तो इसका जो इफेक्ट आता है वो आता है कि पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में हैं, अगर डायरेक्टली जो है आप पेशेंट से जो है वो डील करते हो, हॉस्पिटल से अगर बात हम करें तो जाहिर है पेशेंट है ऑलरेडी जो है इन्फेक्शन है कोई या कोई ऑर्गेनिज्म जाहिर है, तो सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप एक्सपोज होते हो उन ऑर्गेनिज्म से. तो अगर बिल्कुल हैंड वॉश किया जाए, मतलब प्रैक्टिस रखी जाए, तो फिर इससे आप जो प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को भी और दूसरों को भी ऑर्गेनिजम्स को स्प्रेड करने. हॉस्पिटल्स हो गए या मेडिकल अटेंडेंट ऑफिसेस हैं या क्लिनिक्स की बात मतलब बोल रही है यहाँ पे, अगर कुछ तरह के क्लिनिक्स हैं वहाँ पे भी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, पेशेंट्स आते हैं, तो इसीलिए वहाँ भी ये हैंड वॉशिंग का जो मैकेनिज्म है वो होना चाहिए. अमंग एम्प्लॉयज, अमंग एम्प्लॉयज भी अगर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इस तरह जो है वो हमें हाइजीन रखनी है कि दूसरों को भी बचाना है डिजीज होने से और खुद को भी प्रिवेंट कर. इवन के फूड एस्टैब्लिशमेंट हैं या जो इदारे ऐसे हैं जहाँ फूड फूड का जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या जहाँ फूड एस्टैब्लिशमेंट की जो ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे भी जो है इस तरह की ख्याल रखना है, क्योंकि फूड है जाहिर है वो तो आपने यहाँ तो ज़्यादा ही इसकी इम्पोर्टेंस है कि आपने अपने हाथ साफ होंगे तो आप जो है हैंडलिंग, क्योंकि फूड की हैंडलिंग होनी है, तो हाथ साफ होंगे तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा. एंड अमंग फैमिली मेम्बर्स, जाहिर है एम्प्लॉयज़ की बात हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो गई, हॉस्पिटल्स की बात हो गई, इसी तरह फैमिली में भी जो है घरों में अगर हम जो है एक दूसरे को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज से या ऑर्गेनिजम्स के स्प्रेड से अगर हम प्रॉपर अपने हैंड वॉश करें. सोप्स कंटेन अल्कली एंड सोडियम. अब जो इसमें क्या प्रेजेंट होता है सोप में, तो उसमें अल्कली है और सोडियम है. And kill many species of streptococcus, listeria, and will destroy influenza viruses. मतलब gram positive, gram negative को भी inhibit करता है ये, क्योंकि इसमें अल्कली और सोडियम प्रेजेंट है. उसके अलावा viruses को भी, जैसे example है influenza virus, तो इनको जो है रिमूव करेगा अगर soaps use किए जा रहे हैं. Many pathogens that survive washing with soap can be killed by a disinfectant applied after washing. कुछ pathogens ऐसे भी हैं कि वो survive कर जाते हैं washing के बाद अगर हम soap use कर रहे हैं, तो जहाँ हमें एक ये इस तरह risk है या कोई हमें already knowledge है कि hand wash अगर soap भी use किया जा रहा है तो उससे जो है वो proper organisms जो है वो kill नहीं होते या तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर डिसइंफेक्टेंट भी अप्लाई किए जाते हैं वॉशिंग के बाद. अ कॉमन प्रैक्टिस आफ्टर वॉशिंग एंड रिंसिंग हैंड्स एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज टू अप्लाई अ 70% अल्कोहल सॉल्यूशन. अगर हम वॉशिंग की बात करें, चाहे वो हैंड्स की बात हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात हो, तो अगर चांसेस हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं या हमें पता है कि वो सही से जो है वो रिमूव नहीं हो रहा है, तो तब हम 70% अल्कोहल सॉल्यूशन भी जो है वो यूज करते हैं आफ्टर वॉशिंग. डिटर्जेंट्स व्हेन यूज्ड इन वीक कंसंट्रेशन इन वॉश वाटर allow the water to penetrate into all crevices and cause dirt and microorganisms to be lifted out and washed away. Detergent zahir hai use kiye jaate hain jo unko water se jo hai wo mix kiya jata hai, isse ye hai ki water jo hai wo penetrate hoga, it
जितने भी कल्सर्स हैं, होल्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है तो ये पेनिट्रेट होगा और जितने भी वहाँ पे डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लिफ्टेड आउट होंगे, मतलब बाहर की तरफ आएंगे या वॉश आउट हो जाएंगे इजी. Detergents are said to be cationic if they are positively charged and anionic if they are negatively charged. अब डिटर्जेंट्स हैं उनकी चार्ज के हवाले से भी बात हो रही है यहाँ पे. कैटायनिक डिटर्जेंट्स भी होते हैं और एनायनिक डिटर्जेंट्स भी. अगर कैटायनिक है मीन्स के ये पॉजिटिवली चार्ज है और अगर एनायनिक है तो ये नेगेटिवली चार्ज. कैटायनिक डिटर्जेंट जो है वो यूज होते हैं फूड यूटेंसिल्स को सैनिटाइज करने के लिए और जो एनायनिक डिटर्जेंट्स हैं वो यूज किए जाते हैं लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स के लिए एंड एज हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स. हाउस होल्ड क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर भी जो है वो यूज होते हैं डिटर्जेंट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं. तो वो ज्यादातर वो एनायनिक डिटर्जेंट्स होते हैं और जो कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैं वो जो फूड यूटेंसिल्स हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए यूज होते हैं. डिफरेंस इसी के लिए आता है क्योंकि एनायनिक डिटर्जेंट्स जो हैं वो लेस इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कैटायनिक, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो है वो होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे, तो अगर एनायनिक डिटर्जेंट्स ही यूज होंगे तो वो रिपेल करेगा. इसीलिए एनायनिक डिटर्जेंट्स आर लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू कैटायनिक बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑन बैक्टीरियल सेल वॉल रिपेल्स दैम. उसी के लिए जो है इनके फंक्शन में जो है वो डिफरेंस है कि कैटायनिक डिटर्जेंट्स कहाँ यूज हो रहे हैं और एनायनिक डिटर्जेंट्स कहाँ यूज हो रहे हैं. फिर हम बात करते हैं एसिड्स एंड अल्कलीज. अल्कलीज में जो है सोप इट्सेल्फ इज एग्जांपल. सोप इज अ माइल्ड अल्कली एंड इट्स अल्कलाइन प्रॉपर्टीज हेल्प डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स. सॉप का जो है हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये माइक्रोब्स को जो है वो किल करने के लिए यूज किया जाता है. माइल्ड अल्कली है और उसकी अल्कलाइन प्रॉपर्टीज की वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो. अब एसिड्स की बात करते हैं. अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स यूज हो रहे हैं वो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं. स्पॉइलेज से जो है वो रोकेगा ये एजेंट. तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आते हैं लैक्टिक एंड प्रोपियोनिक एसिड्स. दीज आर मोल्ड ग्रोथ इन ब्रेड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. जैसे ब्रेड्स हैं दूसरी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे जो है वो मोल्ड ग्रोथ के चांसेस होते हैं, तो उनको रिटार्ड करने के लिए जो है लैक्टिक और प्रोपियोनिक एसिड जो है वो यूज किए जाते हैं ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो सेफ रहे स्पॉइल ना हो. उसके अलावा बेंजोइक एसिड भी यूज किया जाता है. बेंजोइक एसिड एंड सेवरल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ इन सॉफ्ट ड्रिंक्स. जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वहां पे फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए भी बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है. उसके अलावा जो केचप है या दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो वहां पे भी बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए. फिर है सॉर्बिक एसिड एंड सॉर्बेट्स आर यूज टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ इन चीज एंड अ वैरायटी ऑफ अदर फूड्स. सॉर्बिक एसिड है या सॉर्बेट्स हैं वो भी फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं चीज में और कुछ दूसरी फूड प्रोडक्ट में ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेफ. अब बात करते हैं हैवी मेटल्स की. हैवी मेटल्स used in chemical agents include selenium, mercury, copper and silver. अब
एज अ केमिकल एजेंट या केमिकल एजेंट से यूज हो रहे हैं, उसमें हैवी मेटल्स भी यूज किए जाते हैं जिसमें सेलेनियम आता है, मर्करी है, कॉपर है और सिल्वर. Even tiny quantities of such metals can be very effective in inhibiting bacterial growth. अगर वो मेटल्स जो यूज किए जा रहे हैं उनके अगर टाइनी क्वांटिटी भी यूज होगी तो वो भी ज्यादा इफेक्ट देगी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करने के. अब ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड्स की बात करते हैं. इसमें हमारे पास आते हैं मर्क्यूलेट एंड मर्क्यूरोक्रोम. ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड सच एज मर्क्यूलेट एंड मर्क्यूरोक्रोम I use to disinfect surface skin wounds. ये heavy metals की examples हैं जिसमें organic mercury compounds की बात हो रही है और इनकी examples हमारे पास आते हैं methylate and mercurochrome और वो भी जो surface skin wounds होते हैं उनको disinfect करने के लिए use किया जाता है. methylate and mercurochrome are used to disinfect surface skin wounds. Such agents kill most bacteria in the vegetative state but do not kill spores. ये agents जो हैं वो bacteria को kill करते हैं लेकिन उनके vegetative state पे, means ये spores जो है वो kill नहीं कर पाएंगे लेकिन जो अगर bacteria की vegetative state है form है तो उसको जो है वो ये kill करेंगे. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो एजेंट यूज किए जा रहे हैं तो वो स्पोर्स को भी किल करें. स्पोर्स को किल करने के लिए तो स्पोरसाइट्स जो है वो यूज किए जाते हैं और कुछ एजेंट्स जो है वो स्पोर्स को किल नहीं करते, उनकी वेजिटेटिव स्टेट को जो है वो किल करेंगे उन बैक्टीरिया का. तो मर्क्यूलेट है और मर्क्यूरोक्रोम है वो डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सरफेस स्किन वंड्स में. और अगर हम इन्हीं हैवी मेटल्स की बात करें तो वेजिटेटिव स्टेट को जो है वो ज्यादा किल करेगा लेकिन स्पोर्स को जो है वो नहीं. अच्छा मर्क्यूलेट जो है उसका जो है टिंक्चर भी बनाया जाता है. मर्क्यूलेट इज जनरली प्रिपेयर्ड एज अ टिंक्चर दैट इज डिसॉल्व इन अल्कोहल. अब जो टिंचर ही है मर्क्यूलेट का वो डिसॉल्व होता है अल्कोहल में, इससे ये होगा कि उसकी एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए. मर्क्यूलेट इज जनरली प्रिपेयर्ड एज अ टिंचर दैट इज डिसॉल्व विद अल्कोहल. द अल्कोहल इन अ टिंचर मे हैव अ ग्रेटर जर्मिसाइडल एक्शन देन द हैवी मेटल कंपाउंड. मतलब अगर हम सिर्फ जो है वो हैवी मेटल कंपाउंड यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद. इसीलिए जो मर्क्यूलेट है उसका टिंचर जो प्रिपेयर किया जाता है उसको डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में. तो द अल्कोहल इन अ टिंचर मे हैव अ ग्रेटर जर्मिसाइडल एक्शन देन द हैवी मेटल कंपाउंड. Carbamazepine, another organic mercury compound, can be used to disinfect skin and instruments and as a preservative for vaccines. जैसे हमने पहले भी organic mercury compound की बात की तो यहाँ पे carbamazepine जो है वो भी एक example है organic mercury compound का और ये भी use किया जाता है disinfect करने के लिए skin के लिए और जो instruments हैं. और उसके अलावा वैक्सीन में जो प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं तो उसमें ये कंपाउंड यूज होता है. कैन बी यूज टू डिसइंफेक्ट स्किन इंस्ट्रूमेंट्स एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर वैक्सीन. अब दूसरी एग्जांपल्स हैं इसमें फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड mercuric naphthenate inhibit both bacteria and fungi and are used as laboratory disinfectants.
लेबोरेटरी डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे ही यूज किए जाते हैं, अगर हम बात करें फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट की या मर्क्यूरिक नाइट्रेट की, तो ये इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया को भी और फंगाई को भी, तो इसीलिए जो है जो लेबोरेटरी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जाता है। Selenium sulfide kills fungi, including spores. अब ये दूसरी heavy metal की example है, Selenium sulfide जो fungi को kill करते हैं उनके spores के साथ। यहाँ पे जो है fungi है और उसके spores की भी बात हो रही है। Selenium sulfide kills fungi as well as its spores. Preparations containing selenium are commonly used to treat fungal skin infections. जितने भी fungal skin infections की जो preparations होती हैं, जो use की जाती हैं treatment के लिए, तो उसमें selenium use होता है, ताकि उनकी जो है fungi हैं तो वो उनको inhibit कर सके। तो जो fungal skin infections होते हैं उसमें selenium sulfide यूज किया जाता है उन प्रिपरेशंस। शैम्पूस दैट कंटेन सेलेनियम आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डैंड्रफ। इनके जो शैम्पूस यूज किए जाते हैं, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, स्किन इन्फेक्शंस होते हैं फंगल, तो या उनकी लगे कोई शैम्पूस यूज हो रहे हैं या उन शैम्पू में अगर सेलेनियम प्रेजेंट है तो इससे डैंड्रफ कंट्रोल। शैम्पूस दैट कंटेन सेलेनियम आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग डैंड्रफ। तो आज हमने कुछ केमिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी हर ग्रुप की, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इन्हीं केमिकल एजेंट्स को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरी एग्जांपल्स।